मऊ सदर सीट से लगातार 5 बार विधायक रहे मुख्तार अंसारी की गुरुवार को बांदा के एक मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। वहीं उसके शव को लेकर जिला प्रशासन अपने अग्रिम कार्रवाई में लगा हुआ है। मुख्तार अंसारी के शव को गाजीपुर जिले के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक के द्वारा पूरे कब्रिस्तान परिसर को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इसके चलते इलाके की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। योगी सरकार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दे दिए हैं, पर कब्रिस्तान में दफन करने से पहले 9 डॉक्टरों का पैनल मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम कर चुका है। ऐसी खबर थी कि पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। बताते चले कि गाजीपुर में कालीबाग स्थित पुश्तैनी कब्रिस्तान पर शुक्रवार सुबह से ही सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है, क्योंकि यहां मुख्तार अंसारी का शव दफनाया जाएगा। उसका शव दोपहर 2 बजे के बाद यहां पहुंचना है। दूसरी तरफ कब्रिस्तान पर कब्र की खोदाई के दौरान अफजल अंसारी समेत अन्य परिजन मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी का कब्र उनके पिताजी सुभानुल्लाह अंसारी के पाव के पास ही खोदी जा रही है। कब्रिस्तान के बाहर लगे गेट और खिड़कियों से अंदर के माहौल को देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा रही। इस दौरान पुलिस की छोटी टुकड़ी भी तैनात रही। वहीं मोहम्मदाबाद बाजार पूरी तरह बंद है। सड़कों से लेकर गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। SDM, ADM, CO समेत अन्य अधिकारी सड़कों पर गश्त करते दिखे। गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी की कब्र तो खुद चुकी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि मुख्तार अंसारी को मिट्टी कौन देगा, क्योंकि गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की बीवी फरार है और एक बेटा जेल में बंद। इसीलिए छोटा बेटा उमर अंसारी अंतिम संस्कार के वक्त मौजूद रहेगा। करीब 2.5 साल से बांदा जेल में बंद पूरब के माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार देर रात हार्ट अटैक कार्डिया अरेस्ट से मौत हो गई। मुख्तार को मौत से करीब 3 घंटे पहले ही इलाज के लिए मंडलीय कारागार से मेडिकल कॉलेज लाया गया था, जहां 9 डॉक्टरों की टीम उसके इलाज में जुटी थी। रात करीब 10:30 प्रशासन ने मुख्तार की मौत की सूचना सार्वजनिक की। तब तक मुख्तार के परिवार का कोई सदस्य मेडिकल कॉलेज नहीं पहुंचा था। गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे मुख्तार की जेल में तबीयत बिगड़ी थी। इसके बाद प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और करीब 8:30 बजे के आसपास उसे मेडिकल कॉलेज लाया गया था, जहां 2 घंटे तक उसका इलाज चला। उसे ICU से CCU में शिफ्ट किया गया, जहां रात 10:30 बजे के आसपास उसकी मौत हो गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।